ये क्या कर रहा हूँ मैं? अगर आज दादी ने फाइटर दीदी को देख लेती तो सुशील के साथ पता नहीं क्या होता। क्या कर रही है सब? और इतनी तेज वॉल्यूम करी हुई है। मैंने बोला इससे। सुशील को देखे हुए बहुत टाइम हो गया ना, तो मैंने सोचा यही दिखा दूं। ए चैंपली, डॉक्टर ने अच्छा देख ले अपने सुशील को, आओ। सॉरी सुशील, मैं तेरा अच्छा दोस्त तो बन गया पर कभी तेरा अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। आई एम रियली सॉरी। चलो चल बंद कर दे ये वीडियो। सत्या, इससे ज्यादा प्रेम ना तारी सेहत के लिए अच्छा है और ना इस सुशील की। ओ, हवाई जहाज में कहते हैं ना, दूसरे के बारे में सोचने से पहले खुद ऑक्सीजन का मास्क लगाओ, है ना? और यहाँ उल्टा है, यहाँ सुशील की रक्षा करने के लिए पहले तुझे इसके बारे में सोचना होगा। तुम सब भी सोचो ना, हमारा आगे का खेल कैसे खेलोगे? क्या के का खेल तो और भी मुश्किल होने वाला है। फाइटर दीदी, मैंने सारे प्रिंट आउट निकलवा लिए। ओके वेरी गुड। मैंने इसमें ट्रैकर लगा दिया है, बस किसी तरह ये फाइल इलाज मेरा तक पहुंच जाए। कैसे? बचपन में फिल्मों में एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, पर लगता है आज पूरा होगा और मेरे साथ साथ सबको भारी एक्टिंग करनी होगी। बस एक बार सत्या समझ जाए। तो ठीक है? ठीक। वो क्या होता है? कुछ है ही नहीं जिससे मैं ठीक फील करूं, कुछ बचा ही नहीं। ये सब हम ना सुशील के लिए कर रहे हैं। तुझे पता है जब अपने किसी पेशेंट की बीमारी में समझ नहीं पाती ना,
तो उसे किसी अच्छे बड़े डॉक्टर के पास भेज देती हूँ। पर मैं फिर भी ये कोशिश करती रहती हूँ जानने की कि कहाँ कमी रह गई। इसीलिए तो हम डॉक्टर्स की प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है, बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है, और वही पेशेंस हमें यहाँ पे दिखाना है। फिर देखना तेरी दादी की इस बीमारी का इलाज कैसे होता है। अच्छा छोड़ ना, तू बैठ, तेरे लिए तेल लाती हूँ। हाँ तुझे आराम आएगा। हाँ पकड़। ये तो वही तेल है जो सुशील यूज करती थी। माँ बेटे का इमोशनल टाइम समाप्त होता है यही। कृपया माँ अपनी जिम्मेदारी संभाले और जाकर देखे गैस पर पालक की सब्जी जल रही है। समझाया था ना अभी, पेशेंस, पेशेंस से ही पेशेंट ठीक होता है। और तेरी दादी जितना बुरा और बीमार और कोई नहीं है। तू आराम कर। सुशील, फाइटर दीदी और हम सब मिलकर तुझे जल्द वापस ले आएंगे। आप यहां क्या कर रही हैं? कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप क्या क्या कर रही हैं? क्यों आई आप यहाँ? आपको बोला था ना ये हमारे घर का मैटर है। जस्ट लीव। तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। धक्के देकर मारकर निकालोगे ना तो निकाल कर देख लो, कर लो कोशिश, फिर भी नहीं जाऊंगी। उसके पहले ही फाइल पढ़ो मिस्टर सत्याज मेरा। इस फाइल में ट्रैकर है जिसकी हेल्प से हम लीला अजमेरा तक पहुंच सकते हैं। बस साथ दो मेरा। बहाना जोर से पढ़ो। क्या हुआ, अब पढ़ नहीं पा रहे हो? तुम सब तो सुशील को भूल चुके हो। लेकिन मैं नहीं भूली। मैं जानती हूँ कि लीला अजमेरा भी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसने जितने भी क्राइम किए हैं ना, मैं सब साबित करके रहूंगी। उसके थेपली और अचार का जो बिजनेस है ना, सब बंद करवाऊंगी, सब अदालत बंद करवाएगी। ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या करने आ गई? इस फाइल में लीला अजमेरा के खिलाफ सारे सबूत हैं। तुम सब उसके परिवार वाले हो ना, तो जाना अदालत उसे बचाने के लिए, क्योंकि तुम लोगों का अब सुशील से तो कोई लेना देना है नहीं ना। फाइटर की प्रॉब्लम क्या है? जब से मारा खेल बन रहा होता है और जाती है बिगाड़ने उसे। क्या है ऐसा इस फाइल में? अगर तुम लोग सुशील को एक खूनी एक चोर समझ रहे हो ना, तो याद रखना लीला अजमेरा से बड़ा कोई अपराधी है नहीं, और ये बात मैं साबित करूंगी, ये बात ये फाइल साबित करेगी। सत्या, जला दे इस फाइल को। सुना ना तूने? जला इसे। ये फाइटर माने फंसाना चाहती है। छोड़ूंगी नहीं उस सुशील को, अगर हमारे खिलाफ किसी ने भी कुछ करने की कोशिश की तो। जला इसे के सामने, ताकि इसे पता चले कि किसी को इसकी खोखली धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब क्या बकवास है? मेरी दादी ने कोई क्राइम नहीं किया है। रही बात इन डॉक्यूमेंट्स की, इनकी औकात मैं भी आपको बताता हूं।
कागज के चंद टुकड़े जला देने से ना लीलाज मेरा के पाप नहीं जल जाएंगे। वो मरने के बाद में खूनी ही कहलाएगी। और रही बात सुशील की, तो उसे बेगुनाह मैं साबित करूंगी। जा जा जा, जा किनारे। सर पे तूने जो तेल लगाया हुआ है ना, वही तेल जो सुशील लगाया करती थी, पूरे घर में उसकी गंदी बदबू फैल गई। दादी को तेल की स्मेल कैसे आई? मतलब वो आसपास ही है? हे मारा सत्या, ऐसे तोलिया लिए खड़ा क्यों है? बोला ना, जा नहा ले। कुछ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था बस। मुझे भाभी और माँ दोनों को ये बताना होगा। ए रुक 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 रुक, फोन के साथ क्या करेगा अंदर? बोले ना, फोन बंद करके रखने के लिए। अरे दादी आप भी ना, आपको तो पता है ना मुझे बचपन से गाने सुनते हुए नहाने में बहुत मजा आता है। हाँ अच्छी बात है, पता है मैंने, वो क्या है ना हमारा सत्या, कि ना तो मैं तेरी दादी हूँ और ना ही कोई बेवकूफ। बचपन में मैं तुझे खुद ही नहला देती थी, पर अब इस उम्र में थोड़ी मैं तुझे नहाते हुए देख सकती हूँ। इसलिए बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है और जहाँ हमारी नजर नहीं है वहाँ तारा दिमाग काम करेगा। तूने पुलिस में फोन कर दिया तो इसलिए तू बाहर ही रख इस फोन को। अच्छा अच्छा ठीक है, रख रहा हूँ, ये लो। एक काम करना, आज से तू ही गाना गाना नहाते हुए। लुका छुपी बड़ी हुई सामने आ जाना। अरे अच्छे से गाना जोर से। हाँ लुका छुपी बड़ी हुई सामने आ जानो। अब मुझे किसी भी तरह कैमरे से बचकर भाभी और माँ के साथ दादी को रोकने का प्लान बनाना है। काकी मस्त खुशबू आ रही है, गुलाब पाक सत्या का फेवरेट है ना? हाँ वो थोड़ा लो फील कर रहा है ना, तो सोचा उसके लिए बना देती। माँ जी बनाती थी उसके लिए। सही है, पर ये गलत बात है। मेरे लिए क्या, मैं भी लो फील कर रही हूँ, सुशील मेरी भी फ्रेंड है, मेरे लिए भी कुछ बना। अच्छा क्या चाहिए बोल। मिल्की मिल्क केक। अच्छा जाना फ्रिज में दूध रखा, निकाल के दे दे। अरे ये तो भरा हुआ था, कम कैसे हो गया? सत्या ने पिया होगा, इसमें नहीं बनेगा ना। तो आप एक काम करो, आप ना आप फ्रूट कस्टर्ड बना दो। हाँ एक मिनट, अरे इसमें भी भर के फ्रूट्स थे, कहाँ गए? वो झन्नू या सत्या ने ले लिए होंगे ना। क्या पकाए जा रही है ये दोनों? चांपली की चाय बिना पूरी नहीं होती।
मैंने ये भी दे दो, मैंने वो भी दे दो। अरे वाह, सुशील अलार्म बज गया। हाँ, 8 घंटे निकाल दिया तूने बिना खाए पानी पिए। अरे तो कुछ फ्रूट खा ले। अच्छा ये दूध पिएगी सुशील? अरे जिंदा बेटे मर गए। तने क्या लगा सच में तने दूध पीने को मिलेगा? अरे तेरे को ना जन्नू की बहन होना चाहिए। अरे तू भी कोई मंद बुद्धि से कम थोड़ी ना है। चुप। पता है ना मेरे को ज्यादा आवाज और शोर शराबा पसंद नहीं है। इंजेक्शन चाहिए वापस? मैं भी ना तेरे से पूछ क्यों रही हूँ। वैसे भी हमारे पास यहाँ पर कुछ काम तो है नहीं सिवाय तेरे से नफरत करने की। तो इंजेक्शन ले आती हूँ। डॉक्टर ने कैसे कहती है ना अपने मरीजों से, चिंता न कीजिए, ज्यादा दुखेगा नहीं। पर तू चिंता कर क्योंकि मैं तो डॉक्टर ने नहीं हूं ना। तो दुखेगा, बहुत ज्यादा दुखेगा। प्लान चौपट हो गया, सब खराब हो गया, सब बिगड़ गया। क्या हुआ दीदी? उस लीला अजमेरा ने वो फाइल पढ़ी ही नहीं, उसे सत्या के हाथों से जलवा दिया। उस तक पहुंचने के सारे रास्ते खत्म हो गए। न जाने कहां छुपकर बैठी है वो जल्लाद। तो बहुत ही शातिर निकली, कैसे पहुंचेंगे उस तक? कोई तो रास्ता होगा। दीदी पुलिस वालों को कैसे पता चलता है फोन से? वो क्या करते हैं ट्रेस करके, जैसे चोरों के लोकेशन का पता चल जाता है। सब कुछ करके देख लिया, उसने तो अपना फोन नंबर भी बंद करके रखा है। पर दीदी उसने कैमरा लगाया हुआ है तो कहीं ना कहीं तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही होगी, उससे कुछ पता लगाया जा सकता है। अरे हाँ, भारत में तूने तो कमाल कर दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हर एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है और हम उस कैमरे से उस आईपी एड्रेस तक पहुंच सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि लीला अजमेरा कहाँ छिपी। तो बहुत ही होशियार हो गई। दीदी आप ही से सीख रही हो, बस सोच रही हूँ कि अब पुलिस में भर्ती हो जाऊं। पहले उस लीला अजमेरा का पता लगा लेते हैं, तेरे लिए जॉब बाद में ढूंढ लेंगे। फोन उठाओ, अगर इसने फोन उठा लिया तो हमें पता चल जाएगा कि लीला अजमेरा कहाँ छिपी बैठी है। आपने मेरे फोन का चार्जर देखा क्या? अरे देखना यहीं कहीं ड्रॉअर वॉर में होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।